अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो तो आपको बड़ा पसंद आएगा, और आज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आप हमारे आगे आ रहे हैं जो टॉपिक्स अभी हम आगे स्टडी करेंगे और सारा कुछ, उसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में ये कहा था कि आप अभी तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो छोटे छोटे हैं, आसान थे, तो अब थोड़े से टफ साइड आएगी और चैलेंजिंग साइड आएगी ज्यादा। तो लेकिन हमने घबराना नहीं है और हम इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जब हम एक क्लास खत्म करके जाएंगे तो आप सबको आता होगा। चैप्टर का नाम है आज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं अगर सबसे पहले इस पेपर में इस उसमें स्टार्ट करने से पहले जो बात करूं करना चाहता हूं ना, वो ये है कि आपको इस चैप्टर में दो चीजें हमेशा याद रखनी होंगी। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। एक वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कौन से कहे थे? बाहर वाले, आउटर शेल वाले। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग, सिर्फ वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे। अब ये नहीं हो कि आप अंदर वाले स्ट्रक्चर को कहें कि भाई ये बॉन्डिंग कर, ये नहीं बॉन्डिंग करेगा, बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरी चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जो भी एटम होगा कोई सा भी, उसका जो एम है ना वो ये है कि वो एक नोबल गैस स्ट्रक्चर बन सके। इट इज द एम ऑफ एवरी एटम टू अचीव ए नोबल गैस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो बातें आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं और मैं ये स्टार्ट में शुरू जब हम करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कितने किस्म की है। फोर टाइप्स हैं बॉन्डिंग की हम कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरी बात आपने गौर से सुनी, कौन कितनी टाइप्स हैं? फोर। आयोनिक, कोवेलेंट, हम एक एक को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मेटालिक, और चौथी कौन सी है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब कोई मुझसे ये पूछे कि सर ये क्या चार कैसी? चार ऐसे हैं कि देखिए बॉन्डिंग के चार टाइप्स हैं। अब आपको ओ लेवल्स में सिर्फ और सिर्फ तीन पढ़ाई जाती है और वो एक आयोनिक है, कोवेलेंट है और मेटेलिक है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो चौथी टाइप है वो ओ लेवल या आईजीसीएसई जो भी आप कह रहे हैं में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी ऐड हो जाती है आके ए लेवल्स में। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको ये बताया क्यों? ये मैंने इसलिए बताया है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपको एक सीधे रास्ते पर, अभी अभी से ही मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ। गलत बातें बताने से बेहतर है कि हम आपको ठीक बातें बताएं। ऊपर एक पॉप आपका शायद लिंक आ जाए आपको, आप उस यूट्यूब वालों के पास, आप उसमें जाके ए लेवल्स की बॉन्डिंग में देख सकते हैं कि चार किस्म की बॉन्ड टाइप्स हैं बॉन्ड। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ना मैं आप सबको ये कहूंगा कि भूल जाए। ठीक है, तीन टाइप ओ लेवल्स में हो ना अभी, तो आप तो के तीन टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है,
मैं थोड़ा सा अगर आपका नॉलेज अगर टेस्ट करूं प्रीवियस, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं प्रीवियस, तो मैं इधर एक काले रंग का ये बनाता हूं डब्बा और मैं आपसे पूछता हूं एलिमेंट क्या होता है, बताएं विविदास पे एलिमेंट क्या होता है। मैं सब्सटेंस इज मेड ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। और मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। आपको ये बातें आती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब मैं आगे चल रहा हूँ, चलता हूँ, और मैं सबसे पहले आपको, जैसे हमने इधर पीछे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात की, तो मैं आयोनिक बॉन्डिंग की बात करता हूँ, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्डिंग में हमको लिखना होगा ना, कुछ चीजें लिखनी होंगी, तो लिखने से बेहतर ये है कि मैं आपको वो कर दूं, जी। तो आई एम श्योर आप मेरा सब स्क्रीन देख सकते हैं। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग है, तो इसको आप पढ़ लें, फिर देखते हैं आपको क्या समझ। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लें और लिखें इसको, फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, आराम से पढ़ लें। जी कुछ समझ आ रहा है ना आपको? ये वाला कलर ठीक है ना, इसको आप देखें, इसको वो कर लो आसिम साहब को। पानी भी नहीं, अच्छा जी क्या बना, समझ आया कुछ? अब हमने इधर देखा है कि वो कह रहा है ये कि आयनिक बॉन्डिंग जो है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, और उसने कहा है कि इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन एन आयन्स एंड कैट आयन्स बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एन आयन्स और कैट आयन्स का जिक्र हमने पिछले उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर दिया था, तो आपको ये भी पता है एन आयन्स कैट आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अगला वो देखें तो आप, इसने ये लिखा हुआ है कि व्हेन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन अ फुल आउटर शेल, द न्यूट्रल चार्ज ऑफ द एटम विल बी डिस्टर्बेड सिंस द प्रोटॉन नंबर विल नाउ बी अनइक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ अब इस ये इधर कौन सी बात कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर कोई एटम होगा उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं गेन किए हैं, उसका न्यूट्रल चार्ज चेंज हो जाएगा। अगर गेन कर रहे हैं ना तो उस पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लूज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसका न्यूट्रल चार्ज अब नहीं रहा, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन नंबर है और इलेक्ट्रॉन नंबर है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये हो जाए तो हम इसको आयन कहते हैं, और
पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन होता है उसको हम कैट आयन कहते हैं, ये लिखा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज वाले को एन आयन कहते हैं। ठीक है, तब इस आगे आप देखें, इसने लिखा हुआ है मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैट आयन्स एंड नॉन मेटल एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन्स। सिंस कैट आयन्स एंड एन आयन्स हैव ऑपोजिट चार्ज, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, ये आप लोगों को ये बात पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो भी होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जब इन दोनों के पास ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और एक और चीज जो इधर लिखी हुई है वो ये है कि मेटेलिक एलिमेंट्स डोनेट देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल एलिमेंट्स दैट नीड इट, बोथ एलिमेंट्स अचीव फुल आउटर शेल्स एंड टर्न इनटू कैट आयंस एंड एन आयंस दैट गेट बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगली बात ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन मेटल्स एंड ग्रुप सेवन नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्म आयोनिक आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल में जब देखा था तो पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा कि मैं एक सैंपल बना रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, कुछ ऐसा होता है, ये ग्रुप वन, ग्रुप टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इस साइड में जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और इस साइड वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। आगे पीरियोडिक टेबल ये अगर कोई वो आगे जो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हमने दे दी कि ग्रुप वन एलिमेंट्स और ग्रुप सेवन एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपकी आगे, और ग्रुप वन मेटल जो है टू सिंपली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द ग्रुप सेवन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आगे आता हूं और मैं बात करता हूं कि हम आयनिक बॉन्डिंग को लिख कैसे सकते हैं, हम दिखाएंगे कैसे कि आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। मैं क्या करूंगा, ये सोडियम एटम बना रहा हूँ और मैं इधर क्लोरीन एटम बना रहा हूँ। सोडियम एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 है। 11 का क्या मतलब है कि पहले शेल में कितने होंगे, 2, दूसरे में 8, उसके बाद 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह क्लोरीन के बनाए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है, तो 2 8 7। अच्छा,
ये हमारे पास सोडियम एटम है और ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। अब वो अगर आपको पेपर में पूछता है कि बनाएं जी आयनिक बॉन्डिंग शो करें NaCl में, तो हम कैसे करेंगे? इसमें आप एक बात समझें, वो ये है कि भाई ये देखो, ये एक अकेला है, सिंगल है, जस्ट लाइक मी, ही सिंगल, ये भी एक सिंगल है। और अगर ये इधर से इधर आ जाता, तो इस क्लोरीन जो है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो है वो एक नोबल गैस स्ट्रक्चर बन जाएगा। शुरू में मैंने कह दिया था कि इट इज द एम ऑफ एवरी एटम टू ऑब्टेन नोबल गैस स्ट्रक्चर, नोबल गैस बन जाएगा, आउटर शेल में 8 आ जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला सिंगल इधर आ तब कुछ नहीं होगा, ये सरासर गलती होगी कि ना ये नोबल गैस बना, ये नोबल गैस बना, इसमें आउटर शेल में सोडियम के 2 हो गए, इधर 6 हो गए, तो मजा तो ना है ना, काम हमारा नहीं हुआ। हम हमारा जो पर्पस था कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, वो नहीं पूरा हुआ, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ चला जाएगा। और मैं इसको डिफरेंट कलर में शो कर देता हूं, ये आ गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, अब मैं ये आपने कॉपी कर लिया, मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं, कर लें कॉपी। इसका एक इलेक्ट्रॉन था ना आउटर शेल में, वो आउटर शेल भी गायब हो गया, वाला इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया। ये दोनों, एक क्लोरीन का ये था जो पहले से था, और एक सोडियम का इधर आ गया। अब आप देखें इसमें क्या फर्क है, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाली आ गई, इसकी भी आ गई। अब इसको आप फाइनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाओगे इसके दरमियान। स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर काम नहीं चलने वाला। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक सॉरी सोडियम पर चार्ज क्या होगा, एक लूज किया है तो +1, क्लोरीन ने गेन किया है तो -1, ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम आयन, ये आपने लिखना है, ठीक है, और क्लोरीन आयन, ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। अब बात यह है कि आपने इधर तो लिख दिया कि भाई ये सोडियम क्लोरीन हो गया, पेपर में आएगा ना NaCl आयनिक बॉन्डिंग शो करें, आपने एग्जैक्ट ये छापना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ऐसे लिखेंगे, +1 -1 जो चार्ज हुआ वो लगाएंगे, नीचे सोडियम आयन क्लोरीन आयन जरूर लिखेंगे, ठीक है। कोई 3 मार्क्स है क्वेश्चन आता है सिर्फ ये शो कर, 3 मार्क्स देखे, हलवा मार्क्स है, मुफ्त के मार्क्स तो ले ना, मुफ्त के मार्क्स, वेर किस बात का नहीं। अच्छा मैं एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी जरूरी है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है इसका, वो ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जैसे इधर -1 लिखा हुआ, हम -1 लिखें या 1 माइनस लिखें? तो यार बच्चों, स्टूडेंट्स, फर्क नहीं पड़ता अगर आप -1 लिखें या 1 माइनस लिखें, एग्जामिनर को दोनों पसंद है, दोनों चल जाएंगे, ठीक है, -1 लिखें 1 माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये है, कि आपने इधर लिख दिया +1, इधर आपने 1 माइनस नहीं लिखना, फिर आपने इधर -1 लिखना है, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना,
ये ना हो कि इधर प्लस वन लिखा हुआ उधर वन माइनस लिखा हुआ हो, तो फिर एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा। आपने उधर अगर प्लस वन लिखा है तो उधर माइनस वन लिखेंगे, उधर वन प्लस लिखा है तो वन माइनस, ठीक है। ये आपने लाजमी ऐसा होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, बाकी फिर आपने खुद करनी है। MgCl2, ठीक है। Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 2। क्लोरीन की क्या है? 2 8 7। चलो शाबाश करें। अब वो जैसे पहले मैंने सर्कल बनाए थे तो मैंने वो किया था, अब मैं वो नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बनाऊंगा। मैंने पहले बड़ा नीट काम किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नीट काम पर ही जाना पड़ेगा पीछे। नहीं ठीक है, देखो इधर आपके पास एनजी है, ठीक है। अब एक तरीका आपके पास ये है, एक एक वो गोला शोक। एक और तरीका ये है कि शो ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स शो कर देता हूँ उसमें आपको। ऐसा करते हैं ना, Cl2 क्यों बनाया मैं? क्योंकि MgCl2 है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है MgCl Cl, ठीक है। मैंने दो एम जी वो ऐसे MgCl2 दो इसी बनाए। आउटर से इलेक्ट्रॉन शो करें तो आउटर में 1 2, इसके क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये करो, इरेजर किधर है? मैं एम जी के दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो डिफरेंट कलर से शो करूंगा। यह आपके पास बीच वाला मैग्नीशियम एटम, दोनों क्लोरीन एटम्स। अब आप मुझे ये बताएं कि एम जी जो है वो क्या करेगा, ठीक है। अब उसने अपने आप को भी बैलेंस करना है, दो क्लोरीन एटम्स को भी बैलेंस करना है। तो वो ये करेगा कि वो एक एम जी जो है वो तो एक ही है, एम जी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक सी एल को दे देगा और दूसरा जो है वो दूसरे सी एल को दे। तो वो क्या होगा देखिए आप, ये तो दो इसने दे दिए आउटर शेल में, कितने बाहर वाला शेल गायब खत्म, एट है फिर आउटर में, एट। ये इसके पास एक आ गया और ये इसके पास एक आ गया, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की आयोनिक बॉन्डिंग शो होगी। अब एक चीज हम भूल रहे हैं, वो क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या है, चार्जेस क्या होंगे? 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है, ठीक हो गया। इसके नीचे भी आप लिख लीजिएगा मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड। ये एक तरीका था ये इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, आप और से देखिएगा, समझिए। आपको पेपर में इतनी स्पेस ही नहीं दी थी कि आप ये बड़ा सा बनाए, तो इसको खत्म कर दो, हटा दो, ना बनाओ इसको, इधर 2 लिख दो, ठीक है। आप अगर नहीं बनाना चाहते तो इसको एक एक एमजी बना, एक सीएल, सीएल से पहले इस जगह पर 2 लिख दो, 4 सीएल है 4 लिख दो, 10 है 10 लिख दो। अब ये बात है कि आपने 2 लिखना के लिए, लोग इधर लिख देते हैं 2, लोग इधर लिख देते हैं 2, इधर नहीं लिखना। पहले बताएं क्या चीज 2, Cl है ना, तो इधर लिखोगे। अगर Mg2 होते तो इधर लिख,
लेकिन सी एल टू है तो आप इधर लिख दो। ठीक है, अब अगर आपने ये बना दिया तो इधर टू नहीं लिखना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब वापस हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन। अब ये पढ़िए कि हर आयोनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो 3D लैटिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की दी हुई है, और ये सोडियम क्लोराइड का 3D लैटिस स्ट्रक्चर भी गिवन है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। ये 3D लैटिस स्ट्रक्चर आयोनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं कोवेनेंट बॉन्ड। तो ये पढ़िएगा कि एटम्स कैन अचीव अ फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल वाया शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोवेनेंट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, आयोनिक में ट्रांसफर होते हैं, और एटम्स कैन बी बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मोर ओवर कोवेलेंट बॉन्ड ओनली एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो नॉन मेटल्स की होती है। एग्जाम्पल दे देते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग की इंफॉर्मेशन तो इतनी चाहिए। तो एग्जाम्पल्स की तरफ अगर आए, पहले एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, किसकी दूं? Cl2 क्लोरीन। आई विल गिव यू सम टाइम कि आप इसको देखें Cl2 का कैसा हो। अच्छा, जिन्हें आपके ना आपका नहीं करते, मैं बता देता हूँ कैसे। हमारा क्लास का टाइम भी वैसे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं ये Cl2 वाला करा के जाऊंगा। अगले टीचर हो कहीं काम करें अपना। ओके, मैं सिर्फ आउटर शेल शो करने वाला। ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास Cl है। ठीक है, सीएल के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि कोवलेंट में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों ने ना काम ये करना है कि उन्होंने शेयर करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो कहेंगे आपके पास, आप जो ये बैठे हैं, आपके पास एक पेन और एक कागज है। साथ वाला जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसके पास भी पेन नहीं है, कागज है सिर्फ। नहीं छोड़, आपके पास पेन है सिर्फ, कागज आप कॉपी लाइए, और आपके साथ वाले जो उनके पास कॉपी है पर पेन नहीं। और अब आप एक क्या करेंगे, आप क्लास में खड़े होंगे, मुझे कहेंगे कि सर मैं तो आज कॉपी ही नहीं लाया, मैं पहले आपकी
थोड़ी सी शान में कुछ अल्फाज कहूंगा, उसके बाद आपको ये कहूंगा कि जो आपके साथ बैठे हैं आप अपना पेन उनको दे दें, आप जो है वो लेक्चर्स नोट करेंगे सारे, और आप घर जाके या अभी जो भी हो आप इनको पिक्चर्स भेज देंगे आज के लेक्चर की, तो ये अपना काम पूरा कर लेंगे। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने अपना पेन जो है उनके साथ शेयर किया है और आपने अपना काम उनके साथ शेयर कर दिया, तो अब ये दोनों भी जो है ये शेयर करेंगे ना आपस में, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है, बेचारे हैं ये। सो हम क्या करेंगे, इनको शेयर कराने के लिए ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है रुके आप थोड़ी सी डिजाइनिंग डिजाइनिंग कर। ठीक है हम कह देते हैं कि ये जो है ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर दिए, ठीक है। अब होता ये है कि हम जब पेपर में आपको इतने रंग बिरंगे वो तो नहीं मिलते ना, तो आप क्या करते हो, आप फिर डिफरेंट तरीका आजमाते हो, और वो ये है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कैसे होगा, आप इस सीएल को डॉट दे दो, इसको क्रॉस दे दो, तो इसके डॉट्स की जगह आप ऐसे ऐसे करके क्रॉस बना देंगे, तो इससे होगा ये कि जब आप इधर आए तो आपने ये चीज नोटिस की कि एक डॉट है और एक क्रॉस है, और इस एक डॉट एक क्रॉस का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सीएल सीएल, अगर एक डॉट क्रॉस होगा तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड है, सीएल का तो नहीं होगा लेकिन डबल बॉन्ड है, एक और डॉट क्रॉस तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक और तो चार बॉन्ड, चार बॉन्ड की नौबत नहीं आती है ऐसे, आपके इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको होमवर्क अगर देना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है, लिखिएगा आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनानी है CH4, CH4 मीथेन, वाटर H2O, एक ही दफा लिखें टाइम नहीं है हमारे पास, अमोनिया NH3, आप ऐसे करें आप ग्रुप पर लिख दें सारे, आप ये ना सारे आपने ग्रुप पर लिख देने हैं, NH3 अमोनिया, HCl, N2 नाइट्रोजन, CO2, C2H2, CH3OH मेथनॉल, ठीक है। चलो बस ये आपके लिए बहुत है, आपसे सारों से होने भी नहीं है, सारे जो हो गए वो कर लें, जो नहीं हुए वो हम इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक हमने बात की थी कोवलेंट बॉन्डिंग की, और मैंने कोवलेंट बॉन्डिंग पर आप सबको ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया था, होमवर्क दिया था कि आपने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, तो कितने बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाए, जी शाबाश। अब जैसे कि आपको पता है कि बचपन में जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो मैं आपको स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं स्ट्रेट स्टार्ट करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, वेट कर। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया क्लोरीन का, जी तो ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, तो मैंने कहा था डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से इसको बनाएंगे, तो 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये सी एल लगानी है। ठीक है, अब साथ ही मैं आपको बना के देता हूँ NH3 को। NH3 को भी मैंने कहा था ये N3 का हाइड्रोजन एटम लेके आए, ये भी हाइड्रोजन। मैं सारे नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने होमवर्क दिया, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे। 1 2 3 सर्वर प्रोसेसर इसका डाउन और 5, ठीक है, और हाइड्रोजन में तो बहुत ही एक है, तो बस वो एक जो है वो इसके साथ ठीक ठीक हो गया। अच्छा मैं साथ ही एक और आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ N2 नाइट्रोजन की, मैंने दी थी आपको, ठीक है, कहा था कि नाइट्रोजन को भी बना के लाइए, तो आए देखते हैं आपने नाइट्रोजन के साथ क्या किया, इधर N हो जाएगा इधर N हो जाएगा। 1 नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 3 4 5, ठीक है, उन्हीं के साथ 3 और बाकी 2 ये आ, ठीक है, तो ये जो है ये N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक हो गया। अब मैं साथ ही आगे अगर चलूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, बड़ा CO2 की, तो CO2, ठीक है, अब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है, और ऑक्सीजन के होते हैं 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ऐसे ढेर सारी जो है ये चीजें हम कह सकते हैं कि ये हैं, ठीक है। अब अगले मैं आता हूँ तो वापस तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें बन गई, Cl2 CH4 H2O अमोनिया HCl, ये है डॉट एंड कॉम, ये N2 CO2 C2H2 इथेन और मेथनॉल, ठीक है। अब अगली चीज जो हम आते हैं वो है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग में फर्क क्या है, ठीक है, तो उसके लिए ना मैं क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो आयनिक कम और कोवेलेंट कंपाउंड में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क हम देखते हैं वो है एन मैचिंग कंपाउंड का, तो वो फर्क ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल से नॉन मेटल के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो टू और मोर नॉन मेटल, ठीक है,
आपको आने चाहिए डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंस अगर देखिए टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, तो आयोनिक के पास सिर्फ आयंस होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वोलेटिलिटी की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। चौथा पॉइंट सॉलिबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और मोस्ट आर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये मोस्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आती है, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब कंडक्ट करते हैं व्हेन मोल्टन और डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज जो आयन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, लेकिन एज सॉलिड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द आयन्स कैन नॉट मूव, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते यूजुअली, ना सॉलिड में ना लिक्विड में ना सॉल्यूशन में बिकॉज देयर आर नो आयंस और मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन लेकिन यू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आयन वाटर, लेकिन इस सारे में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन, ठीक है। अगली चीज जो आती है वो एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, देयर एटम्स ऑफ द सेम कैन ऑफ द सेम एटम ऑफ द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल ऑफ एलोट्रोप्स आर डायमंड एंड ग्रेफाइट, बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मूविंग ऑन, तो ये पार्ट है इसको रीड ये शाबाश रीड ये डायमंड का ठीक है, ये डायमंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की लिखा है तो एक समराइज होंगे वो प्रॉपर्टीज और पीछे ये, ठीक है। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ये आपका फॉरवर्ड
सिलिकॉन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब आखिरी चीज जो आ गई है वो मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स में क्या होता है कि दे आर फिक्स्ड अरेज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के मेटालिक पॉजिटिव मेटालिक द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ग्लू द पॉजिटिव आयंस टुगेदर दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ईच ऑफ मेटल्स के पॉजिटिव मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आफ्टर मोस्ट फ्रॉम ब्रेक फ्री व्हेन द मेटल एटम्स फॉर्म द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अबाउट इन अब बेसिकली होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में जो बॉन्ड है ना इन दोनों का इसके नीचे जो भी पॉजिटिव होगा इसका इसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है स्ट्रेच ठीक है ये सारी पर ठीक है और जो मेटल्स हैं जिसके फॉर्म पॉजिटिव आए रिएक्टिव पोल होती है प्रॉपर्टी कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर दे कैन बी डिवाइडेड इन टू कौन से टाइप्स हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स और जॉइंट स्ट्रक्चर्स ठीक है। जॉइंट स्ट्रक्चर्स में क्या चीजें होती हैं मेटल्स आ जाती है आयोनिक कंपाउंड आ जाती है और मैक्रोमोलिक्यूल आ जाते हैं। अच्छा अब आगे आते हैं और ये आप डिलीट करें और ये आप लिखना जी जिन्होंने लिखी है जा सकते हैं ठीक हो गया आप YouTube वाले बॉन्डिंग इंस्ट्रक्चर का